हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल दमन ब्लॉगर बीना शर्मा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। यहाँ मैंने दो बैंगन लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इन पे सरसों का तेल लगा दूँगी। इनको गैस भूनने के लिए रख दूँगी। सरसों का तेल लगाने से बैंगन की स्किन अच्छे से निकल जाती है और भुन भी जाते हैं अच्छे से। मैं बैंगन का भरता भून कर ही बनाती हूँ, कई लोग तो उबाल कर भी बनाते हैं, पर भूनने से बैंगन की खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं भरते के लिए मसाला तैयार कर लूँगी। मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। मैं इसे मोटा मोटा काट लूँगी और एक हरी मिर्ची भी ली है। 7 से 8 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं। अब मैं इन्हें कूट लूँगी। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का मोटा ही रखेंगे इसको हम। बीच बीच में मैं बैंगनों को भी देखती रहूँगी कि वो पक चुके हैं या नहीं। अभी इनको घुमा घुमा कर हम भून लेंगे अच्छे से। अब मैंने दो प्याज लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और इनको भी हल्का मोटा मोटा ही काटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे हम। मैंने दो टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं थोड़े, और उनको भी मैं मोटा मोटा काट लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी। बैंगन के भरते में थोड़ा ज़्यादा ही टमाटर और प्याज डलते हैं। अब मैं बैंगन चेक कर लूँगी कि वो पक चुके हैं या नहीं। ऐसे चाकू डाल के देखेंगे हम इनको, अगर चाकू अच्छे से साफ निकलता है तो बैंगन हमारे भुन चुके हैं। दोनों ही बैंगन अच्छे से भुन गए हैं हमारे। चारों तरफ से चेक कर लेंगे हम। अब हम बैंगनों को ठंडा कर लेंगे। मैंने थाली में दोनों बैंगनों को रख दिया है और अब हम इस पर ठंडा पानी डाल देंगे। आप फ्रिज का पानी भी यूज़ कर सकते हो, इससे जल्दी बैंगन ठंडे हो जाएंगे और उनका छिलका निकाल के हम उनको मैश कर लेंगे अच्छे से। उनको अच्छे से मैश करेंगे ताकि बैंगन अलग हो जाएं। अब मैं कढ़ाई में तेल ले लूँगी। मैंने सरसों का तेल लिया है, आपको जो पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसे जीरा डालूँगी और प्याज डाल देंगे इसमें हम। प्याज को भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का उसका कच्चापन चला जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और उसको भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जो हल्का भुन जाए तो उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को गलने तक पकाएंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मैंने इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको भी हम पका लेंगे। अब हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। जैसे ही मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो हम उसमें अपने मैश किए हुए बैंगन डाल देंगे। एक बार इस तरह भी बना के देखिएगा आपको कैसा लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है।
बैंगनों को भून के बनाने से उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसको 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे और जो बैंगन का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है बैंगन के भरते का। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही चलाती रहूँगी। और इसको हम हरे धनिया के साथ सजा देंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने बनाई थी भिंडी की चटनी। पहले भिंडियों को मैं गैस पे भून लूँगी। भिंडियों को अच्छे से दोनों तरफ से भून लेंगे, पर ध्यान रहे भिंडी जलनी नहीं चाहिए। अब भिंडी अच्छे से भुन चुकी हैं, मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। जब तक हमारी भिंडी ठंडी होती है तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। मैंने इसमें एक प्याज काट के डाल दिया है। अब मैं भिंडी को साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हो जो भिंडी मैंने भुनी थी उसको ऊपर से हल्का हल्का हम साफ़ कर लेंगे और उनको काट के हम मिक्सी के जार में डाल देंगे जिसमें हमने प्याज पहले से ही काट के रखा था। इसी तरह से मैं सारी भिंडियों को ऊपर से हल्का हल्का चाकू से साफ़ कर दूँगी और उनको काट के डाल दूँगी। मैंने सारी भिंडियों को काट के मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। चटनी थोड़ी तीखी हो वही अच्छी लगती है। अब मैं इसमें एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डाल दूंगी, उसको भी मैंने मोटा ही काटा है। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे हम। थोड़ा ज़्यादा करके ही डालेंगे तभी टेस्ट अच्छा आता है चटनी का। और अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और 1/2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी और 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, एकदम बारीक पीसेंगे, मोटा नहीं रखेंगे चटनी को। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक पिसी हुई है चटनी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें घर पे और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको। इसमें हम थोड़ा सा नींबू भी काट के डालेंगे, हल्की सी खट्टी रहती है ये चटनी, ज़्यादा नहीं डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, कल मिलते हैं एक और अच्छी वाली वीडियो के साथ।